नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी में लगातार बवाल मचता जा रहा है। बीजेपी में प्रमोद मुतलिक की एंट्री पर बवाल शुरू हो गया है। गोवा सीएम मनोहर पर्रिकर के बाद अब सुषमा स्वराज ने भी एतराज जताया है। पर्रिकर ने कहा था कि मुतलिक की प्राथमिक सदस्यता रद्द होनी चाहिए। सुषमा ने भी कहा है कि इस पर विचार होना चाहिए। तो हम आपको बता दें, मुतलिक की सदस्यता रद्द हो, ये कहा गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर ने। मुतलिक पर पुनर्विचार करे पार्टी, सुषमा स्वराज ने ये कहा है। जिस तरह से लगातार बीजेपी अपना कुनबा बढ़ाने में लगी हुई है, उतना ही बवाल पार्टी के अंदर भी मचता जा रहा है, क्योंकि कई जो पुराने नेता रहे हैं बीजेपी के, वो लगातार अब हमला कर रहे हैं खुद बीजेपी पर और बीजेपी के आज के नेतृत्व पर कि आखिर ये हो क्या रहा है। जो बीजेपी का सिद्धांत रहा है, अपने सिद्धांतों से भटकती जा रही है बीजेपी। जो विचारधारा रही है बीजेपी की, उससे वो भटकती जा रही है। और कहीं ना कहीं कई बड़े नेता जो हैं, कई पुराने नेता जो बीजेपी के हैं, उनका एतराज, उनकी नाराजगी अब सामने आती जा रही है। और फिलहाल जो ताजा बवाल है वो है मुतलिक को लेकर, प्रमोद मुतलिक को लेकर मनोहर पर्रिकर का एतराज सामने आया है और साथ ही साथ सुषमा स्वराज ने भी एतराज जताया है और पुनर्विचार की बात की है। श्रीराम सेना के प्रमुख हैं दरअसल प्रमोद मुतलिक, और पुनर्विचार की बात कही है सुषमा स्वराज ने। विवादों में रहे हैं अक्सर प्रमोद मुतलिक। 2009 में मैंगलोर पब में जो हंगामा हुआ था, जिस तरह से लड़कियों के साथ वहां पर व्यवहार किया गया था, श्री राम सेना के समर्थकों ने वो किया था, वो भी जगजाहिर है, और कई विवादों में नाम रहा है इनका।